इस गांव से मिली थी रावण को पारण मणि, जिससे बनाई थी सोने की लंका। आज हम आपको पारस मणि के बारे में बताने वाले हैं, जो अंत में रावण के पास थी। उसके बाद वो कहां पर गई, आज तक किसी को भी पता नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि रावण के पास पारस मणि कहां से आई थी। आज हम आपको यहां पर राजस्थान के अलवर शहर से 3 किलोमीटर दूर रावण देहरा गांव के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर आज भी प्राचीन जैन मंदिर के भग्नावशेष मिलते आ रहे हैं। और यहां के बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं रावण ने कराया था। वैसे आपको बता दें कि रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी जनवरी पार्श्वनाथ की पूजा में लीन थे, तभी वहां पर इंद्रदेव प्रकट हुए थे और भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करने के लिए कहा था और चमत्कारिक पारस पत्थर का वरदान मांगने के लिए कहा था। जब रावण ने उनकी पूजा की तो भगवान पार्श्वनाथ ने प्रसन्न होकर पारस पत्थर दे दिया। वैसे आपको बता दें कि इस चमत्कारिक पारस पत्थर से लोहे को भी सोना बनाया जा सकता है। इसके बाद रावण ने लोहे से सोना बनाया और स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण कराया। वैसे आपको बता दें कि रावण देहरा गांव के जैन मंदिर की मूर्तियों को बीरबल मोहल्ले में स्थित जैन मंदिर में रखा गया है और इस मंदिर को मौजूदा समय में रावण पार्श्वनाथ मंदिर कहा जाता है। तो ऐसे रावण ने पार्श्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके भगवान पार्श्वनाथ को प्रसन्न किया और उनसे पारस मणि का वरदान लिया।